अमेरिका भले ही इस उम्मीद में हो कि यूक्रेन के साथ युद्ध चलते रहने से रूस के हथियार कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई ऐसी रिपोर्ट आई है जिनमें कहा जाता रहा है कि रूस काफी तेजी से अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है और उन्हें अपग्रेड भी कर रहा है। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हथियारों के निर्माण को बढ़ाने में कामयाब रहा है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बीते 2 वर्षों में हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों को रूस तक पहुंचने से रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों की बात करते रहे हैं, लेकिन लंदन स्थित थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद तोपखाने के गोले, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने से पहले 2021 में 56 क्रूज मिसाइलें तैयार की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में इसने 460 क्रूज मिसाइलों का निर्माण किया था। रूस के पास इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार काफी ज्यादा बढ़ा है। इसकी संख्या युद्ध छिड़ने से पहले तक 50 थी, जो बढ़कर 180 हो गई है। आपको बता दें कि हथियारों के निर्माण के लिए रूस विदेशों से आने वाले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर रहता है, लेकिन अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस को उन इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस का हथियार उत्पादन इस बात का सबूत है कि इसके ऊपर लगाए जाने वाले सभी पश्चिमी प्रतिबंध फेल रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका को मिलने वाली खुफिया जानकारियां इससे जुड़ी जानकारी देने में विफल रही हैं। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि रूसी हथियार अमेरिकी हथियारों से कहीं आगे हैं, और ये भी बताया गया था कि जो अमेरिकी हथियार विश्व भर में अपने आप में बेहतरीन माने जाते थे, वो हथियार भी रूसी हथियारों के सामने युद्ध के मैदान में यूक्रेन की कुछ खास मदद नहीं कर पाए। ऐसे में अब अमेरिका को अपने हथियारों को अपग्रेड करने और उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि अमेरिका चाहकर भी रूस को हथियार बनाने से रोकने में पूरी तरह से फेल रहा है।